हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एडमिक्चर और उसके यूज के बारे में। तो पहला है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्चर। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्चर कंक्रीट में मिलाने पर वाटर डिमांड कम होता है कंक्रीट में। वाटर कंक्रीट में मिलाने पर वर्कएबिलिटी इम्प्रूव होता है, लेकिन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है। इसलिए वाटर कम मिलाने के लिए वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्चर का यूज करते हैं। दूसरा है रिटार्डिंग एडमिक्चर। ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है कंक्रीट की। तीसरा है एक्सेलरेटिंग एडमिक्चर। ये कंक्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। फोर्थ है एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट एडमिक्चर। ये कंक्रीट में इंक्रीज करता है ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की फ्रीजिंग और थॉइंग कंडीशन में। अगला है पोजोलोनिक एडमिक्चर। इसका यूज करते हैं वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में, जैसे डैम और रिजर्वायर्स। अगला है डैम प्रूफिंग एडमिक्चर या वाटर प्रूफिंग एडमिक्चर। मेक द कंक्रीट स्ट्रक्चर इम्परमेबल अगेंस्ट द वाटर एंड प्रिवेंट डैमनेस ऑन कंक्रीट सरफेस। अगला है गैस फॉर्मिंग एडमिक्चर। ये लाइट वेट कॉन्क्रीट को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है एयर डी ट्रेनिंग एडमिक्चर। इसका यूज करते हैं रिमूव द एक्सेस एयर फ्रॉम द कंक्रीट वाइड। अगला है एल्काली एग्रीगेट एक्सपेंशन प्रिवेंटिंग एडमिक्चर। इसका यूज करते हैं क्रैकिंग और डिसइंटीग्रेशन से बचने के लिए, जो एक्सपेंशन के वजह से होता है। अगला है एंटी वॉश आउट एडमिक्चर। इसे अंडर वाटर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है वाटर के प्रेशर से। अगला है ग्राउटिंग एडमिक्चर। इसका इस्तेमाल क्विक सेट ऑफ ग्राउट और समटाइम्स स्लो सेट ऑफ ग्राउट के लिए किया जाता है। अगला है कोरोशन प्रिवेंटिंग एडमिक्चर। ये रेनफोर्समेंट में जंग लगने की प्रोसेस को स्लो कर देता है। अगला है बॉन्डिंग एडमिक्चर। ओल्ड और न्यू कंक्रीट सरफेस में बॉन्डिंग को मजबूत बनाने के लिए बॉन्डिंग एडमिक्चर का यूज करते हैं। फंगीसाइडल, जर्मिसाइडल, इंसेक्टसाइडल एडमिक्चर। इसका यूज करते हैं हम कंक्रीट स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया, जर्म्स, फंगस से बचाने के लिए। अगला है कलरिंग एडमिक्चर। ये पिगमेंट है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कंक्रीट के फिनिश पर या कंक्रीट को कलर प्रोवाइड करवाना, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, एग्जांपल के लिए डेकोरेटिव पर्पस।